खबरों का लंच बॉक्स। नमस्कार, रेडियो मणि 9 पर आप सुन रहे हैं खबरों का लंच बॉक्स। मैं हूं अमन गुप्ता। फूड डिलीवरी के काम में कितनी घट गई लोगों की आमदनी, कितने लोगों को फिर से भरना पड़ सकता है आईटीआर, और केंद्रीय कर्मचारियों को क्या तोहफा दे सकती है सरकार, बताएंगे आपको। और इसके अलावा भी होंगी बिजनेस पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी कई खबरें। तो शुरू करते हैं खबरों का लंच बॉक्स। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का कहना है कि करीब 31 लाख लोगों को फिर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ सकता है, क्योंकि इन लोगों ने अब तक अपने आईटीआर को वेरीफाई नहीं किया है। आईटीआर वेरीफाई न होने से रिफंड भी रुके पड़े हैं। इनकम टैक्स कानून के तहत टैक्स पेयर्स के लिए आईटीआर भरने के बाद उसे वेरीफाई करना भी अनिवार्य होता है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई थी। आखिरी दिन रिटर्न फाइल करने वालों के पास इसे वेरीफाई करने के लिए 31 अगस्त तक का ही समय है। इसके बाद लेट फीस के साथ फिर से रिटर्न फाइल करना होगा। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को रक्षाबंधन के बाद सरकार महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 3% की बढ़ोतरी कर सकती है। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों का कुल डीए बढ़कर 45% हो जाएगा। नई दरें 1 जुलाई 2023 से लागू होंगी। हालांकि अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से ये अनुमान लगाया गया है। सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स के डीए और डीआर दरों को साल में 2 बार रिवाइज करती है। पहली बढ़ोतरी जनवरी में और दूसरी जुलाई में की जाती है। जनवरी से जून तक के रेट जारी हो चुके हैं और अब जुलाई से दिसंबर तक के रेट जारी होने हैं। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़े कर्मचारियों की औसत वास्तविक आमदनी में 2019 और 2022 के बीच कमी आई है। इसकी प्रमुख वजह बढ़ी महंगाई और ईंधन की लागत में बढ़ोतरी है। इससे कर्मचारियों की परिवार का खर्च चलाने की क्षमता कम हुई है। नेशनल काउंसिल ऑफ एम्प्लॉयड इकोनॉमिक रिसर्च की ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि लंबी शिफ्ट यानी 11 घंटे तक काम करने वाले कर्मचारियों की वास्तविक आमदनी 2019 के 13,470 रुपए प्रति माह से 11.1% घटकर 2022 में 11,963 रुपए रह गई है। वहीं छोटी शिफ्ट यानी 5 घंटे काम करने वाले कर्मचारियों की आमदनी इस अवधि के दौरान 7,999 रुपए से 10.4% घटकर 7,157 रुपए रह गई है। गूगल एक नया फीचर लेकर आने वाला है जिससे आपका ईमेल हैक नहीं होगा। गूगल ने कहा है कि वो जीमेल में अतिरिक्त सत्यापन की सुविधा जोड़ने जा रही है। इससे ईमेल हैकिंग को कम करने में मदद मिलेगी। नए फीचर के तहत यूजर्स को जीमेल में किसी फिल्टर को एडिट करने या एड्रेस को जोड़ने के लिए सत्यापन करना होगा। ईमेल हैक होने से बैंक खातों समेत कई गोपनीय जानकारियां लीक होने का डर रहता है। अगर आप बिना बीमा कराए वाहन चला रहे हैं तो आपको जल्द नोटिस मिल सकता है। यातायात विभाग अब बिना बीमा वाले वाहनों पर सख्ती करने जा रहा है और यातायात विभाग ने इसके लिए एक योजना तैयार की है। हर राज्य के बिना बीमा वाले वाहनों का डेटा प्रमुख बीमाकर्ता की तरफ से यातायात विभाग के साथ शेयर किया जाएगा। बीमा नियामक इरडा ने हर राज्य के लिए एक बीमा कंपनी को इसकी जिम्मेदारी दी है। ये कंपनी राज्य में बिना बीमा वाले वाहनों की जानकारी इकट्ठा कर इसे यातायात विभाग को उपलब्ध कराएगी। आम लोगों के लिए किफायती घर अब सस्ते नहीं रहे, इसलिए इस पर टैक्स घटाने की मांग की जा रही है। राष्ट्रीय रियल एस्टेट विकास परिषद ने किफायती घर बनाने के लिए सरकार से टैक्स कम करने की मांग की है। नारेडको का कहना है कि 1 करोड़ रुपए तक का घर लेने पर 33 से 36 लाख रुपए का टैक्स बनता है, इसलिए सरकार को टैक्स घटाना चाहिए। ये टैक्स केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन को जाता है। इस साल देश में पिछले 8 सालों में सबसे कम मानसूनी बारिश होने की आशंका है। इससे दालें, चावल, चीनी और सब्जियों की कीमतें बढ़ सकती हैं। मौसम विभाग के अधिकारियों ने यह आशंका जताई है। अलनीनो के कारण अगस्त में कम बारिश हुई है, सितंबर में भी कम बारिश होने की संभावना है। इससे एक सदी से भी अधिक समय में सबसे शुष्क मौसम रह सकता है और इस वजह से महंगाई भी बढ़ सकती है। व्यापार घाटा कम होने के साथ भारत का चालू खाते का घाटा अप्रैल जून तिमाही में घटकर करीब 10 अरब डॉलर होने की संभावना है, जो सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP का 1% होगा। इंडिया रेटिंग्स ने सोमवार को जारी रिपोर्ट में कहा कि चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में व्यापार घाटा कम होने से चालू खाते के घाटे में गिरावट आने का अनुमान है। पिछले साल की समान तिमाही में ये 18 अरब डॉलर यानी GDP का 2.1% था। कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की है। इसके तहत 1 करोड़ महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए की वित्तीय सहायता दी जाएगी। वित्त वर्ष 2023-24 में सरकार गृह लक्ष्मी योजना के तहत 17,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। 5 चुनावी गारंटी में से गृह लक्ष्मी चौथी योजना है। इससे पहले राज्य सरकार शक्ति, गृह ज्योति और अन्य भाग योजना को शुरू कर चुकी है। इसी के साथ खबरों के लंच बॉक्स में मैं अमन गुप्ता लूंगा आपसे विदा।
बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए आप सुनते रहिए रेडियो मनी नाइन और डाउनलोड कर लीजिए मनी नाइन का मोबाइल ऐप। चलता हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, नमस्कार। खबरों का लंच बॉक्स।